क्योंकि बी नेचुरल पे मैं विमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, तो एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन मुझसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। उनका नाम और मेल तो रिवील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उनका जो सवाल है ना, ये सवाल हो सकता है आप लोगों के मन में भी हो, तो उसका समाधान आज मैं आप लोगों को दे दूंगी। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना। सवाल ये था कि मेरी सब्सक्राइबर का रिलेशन चल रहा था उनके फियांसे के साथ, उनकी शादी भी होने वाली थी, शादी के 2 महीने रहते थे, लेकिन शादी के 2 महीने पहले ही उनके फियांसे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। और वो अपने फियांसे के साथ, उनकी लव मैरिज हो रही थी और वहाँ वो फिजिकल एक्टिव भी हो चुके थे। ऐसे में अब उनकी शादी किसी और से होगी, तो उनको डर है कि अगर मेरी शादी किसी और से होगी तो उसको पता चल जाएगा कि मैं शादी से पहले ही फिजिकल एक्टिव थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ उसको पता चले, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। उन्होंने वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल के बारे में सुना है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो क्या ये वर्क करता है नहीं करता है, इसके बारे में वो जानना चाहती हैं मुझसे। तो मैंने सोचा मैं अपने सब्सक्राइबर को एक मैसेज करके रिप्लाई करूँ, इससे अच्छा ही वीडियो बना के आप लोगों की भी हेल्प कर देती हूँ। सबसे पहली बात, मैं हर बार आपको बोलती हूँ, यू शुड वेट फॉर द राइट मोमेंट टू हैव रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। आपको पूरा भरोसा होता है वो छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं जाएगी, लेकिन देखो ना, किस्मत, नेचर ने ही वापस ले लिया ना, एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं रहे, या कोई और भी रीजन हो सकता है आपका, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकली एक्टिव हो। पर इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे लड़कियों की वर्जिनिटी डज मैटर अ लॉट, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करती है। हालांकि वर्जिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है, साइकिलिंग, डांस, हॉर्स राइडिंग, फिजिकल एक्टिविटी, जिमनास्टिक, एरोबिक्स, ये सब एक्टिविटीज करने की वजह से लड़कियों की जो झिल्ली होती है वो रप्चर हो जाती है, तो आप वर्जिनिटी टेस्ट जैसा कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा मिथ है, कई जगह तो व्हाइट बेडशीट टेस्ट भी होता है कि अगर बेडशीट के ऊपर ब्लड निकला आफ्टर हनीमून, दैट मीन्स द गर्ल इज वर्जिन, और नहीं निकला तो शी इज नॉट वर्जिन। ब्लड निकलना, किसी लड़की का ना निकलना, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है उसके फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बताया कौन कौन सी चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है गर्ल और बॉय इंटरकोर्स करे तभी वो उनका हाइमन रॉप्चर हो, ये चीजें समझनी होंगी लड़कों को और हमारे इंडियन सोसाइटी को। अब बात करते हैं उन लड़कियों की जो शादी के पहले बहक जाती हैं या किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से फिजिकल रिलेशन कर लिया है। अब आपकी शादी होगी तो आपके हस्बैंड को पता चलेगा इस बारे में या नहीं चलेगा? इस बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था, वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल ये क्या होता है और किस तरीके से कोई अपना वर्जिनिटी वापस पा सकता है। ये क्लेम करना बहुत ही बेकार और वाहियात है कि किसी भी कैप्सूल से आप अपनी वर्जिनिटी वापस पा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले भी आपको बता देती हूँ कि वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल वर्क कैसे करता है, फिर मैं आपको बताती हूँ आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑनलाइन मिलने वाले वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल को यूज करने के लिए इंटरकोर्स के आधा एक घंटा पहले अपनी वजाइना के अंदर फिंगर से इंसर्ट कर देना होता है, और जब आप इंटरकोर्स करोगे तो वो अपने आप घुल जाती है आपकी वजाइना में, और इंटरकोर्स के दौरान आपकी वजाइना से रेड ब्लड बाहर निकल करके आता है वो, और इंटरकोर्स करने के बाद ऐसा लगता है कि ब्लड बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल आते हैं जिससे फेक वर्जिनिटी क्रिएट करने का दावा किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या ये आपको यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहली बात, जो आर्टिफिशियल कैप्सूल ब्लड आप अपनी वजाइना के अंदर डाल रहे हो, आप ये तो देखो वजाइना कितना सेंसिटिव होता है, उसके अंदर आप कोई भी कैप्सूल डाल दोगे बिना किसी डॉक्टर आपको कभी एडवाइस नहीं करेगा ऐसी चीज। आप खुद के डॉक्टर बनके कोई सा भी कैप्सूल अपने अंदर डाल सकते हो क्या? पता नहीं कौन सा फॉर्मूला है, क्या केमिकल है, क्या रिएक्शन होगा, क्या पता आप उसको अपने हनीमून के रात अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट करो और वहां पे आपको एलर्जी, इन्फेक्शन, कोई बीमारी हो जाए, आप कंसीव कभी ना कर पाओ, कि कुछ भी डेंजरस हो सकता है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, डॉक्टर रेकमेंड कर नहीं रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज आप बिना किसी एडवाइस के कैसे अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हो? मैं तो इस चीज के लिए साफ साफ मना करूंगी कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो, कीगल एक्सरसाइज के तरीके क्या है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको हाईली एडवाइस करती हूँ इस तरह की कोई भी गलती मत करो जिससे आपका फ्यूचर आप असमंजस में पड़ जाओ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस बारे में आप किसी एडवाइस भी नहीं मांग सकते, किसी से पूछ भी नहीं सकते। इंडिया ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लड़कियों के मुंह से ऐसी बातें सुन ले कोई तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, हो लड़की हो के ऐसी बातें करती है। मुझे पता है बीइंग अ गर्ल मेरे लिए आसान नहीं है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर पाना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है,
जब कमेंट सेक्शन देखती हूँ तो वहां पे भरमार पड़ी होती है मुझे अक्यूज करने के लिए कि आप बेशरम हो, ये सारी बातें बोल रहे हो, लेकिन अगर ये बातें मैं नहीं बताऊंगी एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ी बहन, तो कौन बताएगा? लड़कियां कंफर्टेबल नहीं होती हैं इन सब चीजों के बारे में किसी से भी बात करने के लिए, ना बहनों से ना फ्रेंड से। तो ऐसे में आप ऑनलाइन ये सारी जानकारी लेने चले जाते हो जहां आपको वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल दिखता है, एड्स वगैरह दिखती हैं, और आप यूज करने लग जाते हो, और फिर आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बी नेचुरल पे आपको लड़कियों से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है सटीक तरीके से, साइंटिफिक और लॉजिकल पॉइंट्स के साथ। मैं अपनी वीडियो में ना जान दम लगा देती हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मैं उस टॉपिक के बारे में दे सकूँ आपको एक्यूरेट में दे दूँ। मैं खुद एक टीचर, तो सही शिक्षा देना आई लव टू डू दिस एंड आई एम प्राउड टू डू दिस। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे गर्ल्स बॉयज ऐसे होंगे जिनको मेरा इस टॉपिक के ऊपर बात करना अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं इस तरह की वीडियोस डेफिनेटली बनाती रहूंगी, मेरी सारी गर्ल्स को एजुकेट करती रहूंगी, गलत रास्ते पे आपको जाने से जरूर रोकूंगी, और सही रास्ता देखते रहने के लिए कंटिन्यू कीजिए बी नेचुरल। रेड जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, और मेरे व्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी तरफ से तो बहुत बड़ी ना है, कुछ कंपनी आपको बेवकूफ बनाने के लिए भी ऐसी चीजें लॉन्च कर देती हैं, उसके अंदर पता क्या केमिकल डाल देते हैं, बहुत ज्यादा महंगा बेचते हैं सर। एक कैप्सूल की कीमत 3,000 से 5,000 तक की होती है जब वो बेचते हैं, तो कभी कभी इससे भी ज्यादा हो जाती है, और आप सिर्फ उस कैप्सूल से अपने आप को वर्जिन प्रूफ करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा और सक्सेसफुल भी रहेगा। पहली रात अगर आप अपने होने वाले को इतना बड़ा धोखा दोगे, तो अगर आप पकड़े गए, उनको पता चल गया, देख लिया कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तब सोचो क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी करने के लिए मैं तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी। मैं आपसे फिल्म लूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।